नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम भविष्य के सितारे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारे। भविष्य के सितारे अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपका सप्ताह बताते हैं और उनके साथ ही शुभ अंक बताते हैं कि आपका पंडित जी के मुताबिक इस बार का जो सप्ताह है वो कैसा रहेगा। और आज इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है पंडित विनोद सोनी पोद्दार जी। सबसे पहले तो पंडित जी आपका बहुत स्वागत है। पंडित जी, आपसे पहली चार राशियों के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे उनके शुभ रंग और शुभ अंक के साथ। जी जी, जैसे पहली राशि मेष राशि होती है। मेष राशि अभी वर्तमान में थोड़ी सी समस्याग्रस्त चल रही है और समस्याओं के साथ अभी उनको थोड़ा सा अपने आप पर आत्मविश्वास रखना चाहिए कि समय बदलने वाला है। उनके साथ उनकी चीज़ें जो बहुत गड़बड़ हो गई हैं वो ठीक होने वाली हैं और उनके लिए विशेष रूप से अभी लाल रंग शुभ रहेगा और उनके लिए जो उपाय करने चाहिए वो विशेष रूप से हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनसे विनती करें और सब ठीक होता चला जाएगा। और जैसे दूसरी राशि होती है वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले अभी 7.5 से गुजर रहे हैं जो कि जनवरी तक अभी चलेगी शनि की ढैया, और शनि की ढैया के लिए भी हनुमान जी की ही आराधना अगर वो करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं और सफ़ेद रंग धारण करते हैं अधिक से अधिक, तो उनके लिए सही रहेगा। और मिथुन राशि वाली जो तीसरी राशि है, वो मिथुन राशि वाली के लिए शनि की ढैया आने वाली है, उसके लिए उनको सचेत हो जाना चाहिए, सचेत हो जाने चाहिए। और इसके लिए भी उनको शनि महाराज के लिए तेल का दान करना, काली उड़द का दान करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा और हरा रंग धारण करना उनके लिए शुभ है। और फिर चौथी राशि जो कि कर्क राशि है, कर्क राशि वाले अभी थोड़े से चिंता के बादल उनके ऊपर छाए हुए हैं, मानसिक तनाव उनके ऊपर रहता है, तो उसको निजात पाने के लिए दूध का उतारा कर कुत्ते को पिला दिया करें और श्वेत वस्त्र धारण करा करें, उनके लिए शुभ रहेगा। पंडित जी, आपने बताया कि राशि में अभी बताया कि शनि की ढैया रहती है। सबसे पहले एक बार आप विस्तार से बता दीजिए कि शनि की जो 7.5 लगती है, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है जब किसी इंसान पे शनि की 7.5 होती है तो वो एक डर के खौफ में भी जीता है कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए और किसी के लिए अच्छा भी होता है, तो एक शनि की 7.5 के बारे में आपके मुताबिक विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, शनि की 7.5 और ढैया ये दो सिस्टम जो है शनि के हैं। शनि चूंकि न्यायाधीश है, न्याय प्रिय देवता माने जाते हैं, न्याय के लिए ही कार्य करते हैं, तो अभी जो वर्तमान में जो शनि महाराज जिस तरीके से उपस्थित हैं और जो काम कर रहे हैं, तो शनि का रोल ये होता है कि जो भी जस्टिफाई चीज़ें होती हैं, जितनी भी न्याय से संबंधित चीज़ें हैं, वो उन पर ही विश्वास करते हैं, उन्हीं को ही दंडित करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कर रखा है पहले, तो उसका इन 7.5 और ढैया के समय उसका परिणाम मिलता है, और अगर नहीं किया है, कष्ट जरूर होता है, लेकिन जाते जाते शनि की ढैया या 7.5 उसको अच्छे रूप से बिठाकर उच्चे स्थान पर बिठाकर जाती है। तो पंडित जी ने बताया कि शनि की ढैया और शनि की 7.5 क्या कुछ होती है, क्योंकि अगर आपने बुरे फल किए, बुरे काम किए हैं तो उसका अंजाम बुरा ही मिलता है, क्योंकि अगर आपने कुछ किया है तो उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। पंडित जी, अब आपसे अगली चार राशियों के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। जी, अगली पांचवी राशि जो है सिंह राशि है। सिंह राशि वाले अभी थोड़े से चिंता के बादल उनके ऊपर भी है, लेकिन चिंता की घड़ियां उनकी शांत होने वाली है और बहुत ही जल्दी उनके साथ कुछ अच्छी घटनाएं, उनके अच्छे कार्यक्रम उनके साथ होने वाले हैं। और इस समय में शिव जी की वो जितनी आराधना करते हैं, शिव जी की साधना करते हैं, उतना ही वो सफल होते रहेंगे। और सबसे अच्छा उनके लिए जो रंग रहेगा वो गुलाबी रंग अगर वो धारण करते हैं, तो उनके लिए सप्ताह में गुलाबी रंग धारण करना उनके लिए अच्छा रहेगा। और छठी राशि कन्या राशि, कन्या राशि के जातक अभी शनि की ढैया से वो लोग भी गुजर रहे हैं, तो उनके लिए भी अभी कुछ दिनों बाद शनि की ढैया समाप्त होने वाली है और वो हरा रंग धारण करना उनके लिए अच्छा रहेगा। और सातवीं राशि तुला राशि, जिसके लोग अभी शनि की ढैया आने वाली है, इनके ऊपर तो थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में उनका समय बहुत अच्छा है और वो उन्नति के रास्ते पर हैं। अगर वो उन्नति के रास्ते को और अच्छा सा चलना चाहते हैं तो शनि महाराज की आराधना करें, शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमकीले सफ़ेद वस्त्रों का धारण करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आठवीं राशि वृश्चिक राशि है। आठवीं वृश्चिक राशि वाले अभी शनि की 7.5 के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं, थोड़े से कष्ट इनको पिछले 7 सालों के बहुत रहे, बहुत ज़्यादा इन्होंने तकलीफें झेली हुई हैं, तो कन्या शनि की जो ढैया जाते जाते 7.5 जाते जाते इनको काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें देने वाली है और कुछ नया उपहार भी देती हुई जाएगी। और इनको शनि महाराज की आराधना करना, हनुमान जी की आराधना करना और पीताम्बरी वस्त्र धारण करना इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। पंडित जी, ये तो हो गया 8 राशियों के बारे में, अब आपसे एक बार और जानना चाहेंगे, जैसे आपने शनि की 7.5 और ढैया के बारे में बताया, तो इसके उपाय के लिए क्या कुछ करना चाहिए? शनि की ढैया और 7.5 के लिए ये है कि जितना हमसे हो सकता है कि
उसमें जो अंगहीन दिव्यांग लोग हैं उनकी जितनी सेवा करें, जो वृद्ध जन हैं उनकी हम सेवा कर सकते हैं, जो वृद्ध पशु हैं या पौधे हैं उनकी जो जर्जर अवस्था में है, या कोई धार्मिक स्थल जो जर्जर अवस्था में है उसके हम क्या उद्धार कर सकते हैं, जीर्णोद्धार कर सकते हैं, अगर ऐसा हम काम करते हैं तो इससे एक तो पुत्र दोष का हमन हनन होता है और दूसरा शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं, और शनिदेव का प्रसन्न होना मतलब फिर आपके साथ जो भी कष्ट होने वाले हैं उनसे आप निजात पा जाते हैं, उनसे आप ठीक हो जाते हैं। पंडित जी, इसके साथ एक सवाल और है कि जैसे गृह प्रवेश होता है किसी का, अगर नया घर बन रहा है या कुछ भी होता है, तो उस दौरान कलश की एक अहम भूमिका होती है, हाँ तो क्या कुछ भूमिका होती है कलश की उस दौरान पर? देखिए, कलश वरुणदेव माना जाता है, वरुणदेव के रूप में उनकी कलश की स्थापना की जाती है, उनका आह्वान किया जाता है, और किसी भी शुभ कार्य के लिए कलश विशेष रूप से जरूरी है, कलश स्थापित करना और गणेश जी का आह्वान करना, ये दो मुख्य कारण तो पूजा के विशेष हैं ही कि अगर ये करते हैं तो कलश, जैसे कि कलश के अंदर एक लोटे के अंदर जो जल भरा हुआ था, जल जो कि जीवनदायिनी चीज़ है, जो उसके ऊपर नारियल रखा जाता है, नारियल उसके ऊपर एक जो प्रकृति से उसको जोड़ा जाता है, प्रकृति मतलब जो जल वनस्पति और जो नारियल, ये श्रीफल जो कि विष्णु जी का रूप भी माना जाता है, इसको प्रकृति का जो जो हमारी जीवनदानी जो चीज़ें हैं उससे हमको ये जोड़ते हैं, और हमारी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी पूर्ति हैं होनी चाहिए उनके लिए ईश्वर सुनते हैं, आराधना करते हैं। तो पंडित जी ने बताया कि शनि की जब साढ़े साती हो या फिर ढैया हो तो क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो सके। इसके साथ पंडित जी ने बताया कि जब गृह प्रवेश करते हैं तो उस दौरान कलश का क्या कुछ महत्व होता है। पंडित जी, अब आपसे अगली जो अंतिम चार राशि है उनके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। नवी राशि धनु राशि है, धनु राशि वाले जातक भी अभी साढ़े साती से गुजर रहे हैं, उनका दूसरा चरण उनका चल रहा है और दूसरे चरण का तीसरे चरण में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि बहुत घनघोर कष्ट से ये लोग गुजर रहे हैं, तो इससे भी राजा राहत पाने के लिए वो मान। और दसवीं राशि मकर राशि है, मकर राशि के जातक भी अभी साढ़े साती से प्रथम चरण से ग्रसित हैं, ये लोग भी बहुत कष्टों से गुजर रहे हैं, तो इस समय में हनुमान जी की आराधना करना, माता की सेवा करना, स्वयं की माता की सेवा करना, उनके चरण दबाना, अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ उनको मिलेगा, और नीला वस्त्र धारण करना उनके लिए अच्छा है। और साथ में जो ग्यारहवीं राशि है कुंभ राशि, कुंभ राशि पर साढ़े साती की प्रवेश होने वाला है, यह साढ़े साती उनके ऊपर आने वाली है, तो अभी से वो अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपनी अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, हनुमान जी की सेवा करना, माता जी की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, धार्मिक स्थानों की सेवा करना, झाड़ू पोंछा करना धार्मिक स्थानों की, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ उनको नीला वस्त्र धारण करना, और शुभ अंक उनके लिए जो विशेष रहेगा वो 9 नंबर रहेगा, अगर वो किसी चीज़ को अगर वो यूज़ करना चाहते हैं या उसमें किसी काम में लेना चाहते हैं। और 12वीं राशि जो अंतिम राशि है मीन राशि, मीन राशि के जातक अभी कुछ चीज़ों में प्रसन्नता उनके वातावरण में आने वाली है, मांगलिक कार्य उनके घर भर परिवार में प्रवेश होने वाला है, मंगल कार्य उनके घर में होने वाला है, या अगर जो जातक विवाहित नहीं है या विवाह नहीं हुआ है तो उनका विवाह होने वाला है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, शुभ संकेत उनके साथ जीवन में घटने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रंग रहेगा, जो क्रीम लाइट क्रीम कलर उनके लिए बहुत अच्छा है, और माता की सेवा करना और ईश्वर की आराधना करना उनके लिए बहुत अच्छा है। तो पंडित जी ने 12 राशियों का हाल बताया है कि 12 राशियों उनके उसके साथ पंडित जी ने शुभ रंग शुभ अंक के बारे में बताया, और पंडित जी ने कुछ उपाय भी बताए हैं जिन्हें आप करेंगे, अगर हमारे दर्शक करेंगे तो उनकी जो भी समस्या है उससे समाधान जल्द ही मिलेगा। पंडित जी, आपसे अब आखिरी सवाल ये है कि अभी आजकल देखी जा रही है कि आर्थिक तंगी की वजह से देश में आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, और ऐसे में बेरोजगारी दर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और ऐसे में जो युवा हैं वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, ऐसे में देखा जाता है कि जो माँ बाप हैं उनके परिजन हैं वो ज्यादा दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, तो ऐसे क्या मंत्रोच्चारण करें जिससे उनकी समस्या का समाधान हो सके? हाँ, इस समय में अभी जो वर्तमान में जैसे गोचर काम कर रहा है, जिसमें लगभग देश का सभी युवा या कहें या जो भी पुराने लोग काम कर रहे थे उनके सारे काम अभी ठप पड़े हुए हैं, तो इस समय में अपनी आर्थिक चीज़ों को ठीक करने के लिए वो विष्णु जी का सहस्त्र नाम पाठ करें, श्री शुक्त का पाठ करें, और इस समय में शिव जी को 11 लौंग अर्पित करके सोमवार को ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हनुमान जी की आराधना अगर करते हैं तो हनुमान जी की आराधना करते समय वो पीपल के पत्ते की माला उनको समर्पित करें, तो उनके लिए आर्थिक समस्याओं से उनको मुक्ति मिलेगी। भैरव की उपासना करना इस समय बहुत श्रेष्ठ रहेगा उनके लिए, भैरव को, कि अभी जो शनि का जो गोचर चल रहा है जिसकी वजह से सारी अर्थव्यवस्था जो भारत देश की है वो ठप बैठी हुई है,
तो अगर शनि की आराधना करते हैं और भैरव की आराधना करते हैं तो इस समय बहुत जल्दी उनके कष्टों से मुक्ति उनको मिलना शुरू हो जी, आपने बताया कि अभी आर्थिक व्यवस्था ठप बैठी हुई है, जाहिर सी बात जाएगी। है कि, और ऐसे में बेरोजगारी दर भी बहुत बढ़ रहा जी है, जी तो आपके मुताबिक, पंडित जी के मुताबिक, ये जो आर्थिक व्यवस्था देश में चल रही है, कब तक खत्म हो ये जाएगी? देखिए, अभी शनि जो परिवर्तन करने वाले हैं, बहुत जी बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं, जो अपनी स्वयं राशि में अभी प्रवेश करेंगे 24 जनवरी की रात्रि को। ये 24 जनवरी की रात्रि को जब ये प्रवेश कर रहे हैं, तो इससे जो अभी पिछले 30 सालों से जो अर्थव्यवस्थाओं का धीरे धीरे संकट के बाद छाते जाते आप बिल्कुल अधिकतम गले तक पहुंच गए जी हैं, तो ये चीज़ें अब सुधार पर आने लगेंगी और आर्थिक व्यवस्था सुधरने लगेगी और देश की बहुत सारी जो तरक्की के रास्ते जो रुके पड़े हुए थे या जो पिछले वर्ग के लोग थे जो पीछे रह गए थे, जो आगे नहीं आ पा रहे थे, वो लोग अब आना शुरू, आगे दिखेंगे और नए नए कीर्तिमान सिद्ध होते हुए आपको दिखेंगे। जी साथ में अभी वर्तमान में क्या हुआ है कि अभी जो एक राशि जो कुंभ राशि है, धनु राशि सॉरी, जी उसमें जब शनि महाराज उपस्थित हैं, केतु उपस्थित है, वहीं गुरु भी प्रवेश कर गए हैं, तो ये थोड़ी सी विस्फोटक चीज़ें हो गई हैं, जिसके कारण अगर आप देखें उसके गोचर के चलते, तो जो हमारे देश में कुछ घटनाएं अभी कुछ महीनों में घटी हैं, जैसे जी न्याय प्रक्रिया को लेकर हो, जो एक बहुत बड़ा न्याय अभी सरकार के जी द्वारा दिया गया न्याय, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ये उसके तहत जो पिछले 30 वर्षों में इसका कुछ नहीं हो पा रहा था, जो इसके दौरान हुआ, जी क्योंकि ज्ञान के देवता और न्याय के देवता एक साथ बैठ गए, जिसकी वजह से ये चीज़ें हो पाई। और जैसे आज ही मैंने खबर देखी कि जो जी जो उनको जस्टिस जो रेप के आरोपी होते थे, उनको उनको वकील मिल जाया करते थे, उनके चला करते थे, परसों उनका कुछ होता नहीं था, आज पता नहीं सडनली उनके साथ घटना घट गई कि उनको शूट एंड साइड कर दिया गया। तो ये अब जो न्याय प्रक्रिया जो तेज हो रही है ना, ये आपको आने वाले भविष्य में बहुत तेज दिखेगी। जितने भी स्टेट फॉरवर्ड फैसले अब आएंगे वो बहुत तेजी से, और जितने भी लोग अपराधी थे या कर चुके थे, उनके अपराध अब उजागर होते हुए दिखेंगे। जी पंडित जी, इसी के साथ एक सवाल और है कि ग्रह जब ज्यादातर देखा जाता है, आजकल हर घर में कलेश देखा जाता है, हाँ हर दूसरे घर में कलेश की स्थिति पनपती है, ऐसे जी में ज्यादा चिंता माँ बाप की देखी जाती है, क्योंकि अगर बच्चे लड़ रहे हैं या जो बच्चे की धर्म पत्नी है, अगर उनमें अनबन हो रही है, तो माँ बाप ही ज्यादातर चिंता में रहते हैं। तो ऐसा क्या कुछ करे, क्या कुछ उपाय हैं आपके मुताबिक, जिससे उनके ग्रह कलेश में भी कमी आए और उनकी जो भी समस्या है उसका समाधान जल्द ही मिल पाए? बिल्कुल होता है। इसमें क्या होता है कि माता पिता, अभी एक गोपाल संतान स्त्रोत एक पुस्तक होती है, जी अगर इसका पाठ वो करती है माता स्वयं, और माता जी अगर करती है, तो उनके घर में जितने भी बालक बालिकाएं या बच्चे हैं संतान, तो उनका और उसका प्रभाव पड़ता है। तो जो भी वो भटक रहे हैं या अपनी दिशा से सही काम नहीं कर पा रहे हैं, या वो जो कर सकते हैं वो नहीं उनको परिणाम मिल रहे हैं, तो उनको अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं, जी अच्छा काम होने लगता है। और साथ में अगर किसी के घर में कुछ किसी प्रकार की नकारात्मकता बनी हुई है, जिसकी वजह से बच्चे उन्नति नहीं कर पा रहे, या उसका परिवार ही कहीं उन्नति नहीं कर पाया हुआ होता है, तो घर में इस तरीके से एक चीज़ करना चाहिए कि घर में एक सप्ताह किसी तेल को रखें, कोई जी तेल भोजन जो यूज उपयोग किया जाता है उस तेल का रखें, और उस तेल को कहीं दान कर दिया जाया करे, तो वो उस व्यक्ति को लाभ मिलेगा जो तेल लेगा, और जिस घर में से वो तेल गया है उस घर में जो आर्थिक चीज़ें या एक हमेशा संकट ही बना रहा है, उन लोगों के लिए काफी कुछ आराम पड़ जाया करेगा, जी वो लोग ठीक हो जाया करेंगे। जी तो पंडित जी ने 12 राशियों का हाल बताया, इसके साथ पंडित जी ने बताया कि आपका शुभ रंग और शुभ अंक क्या कहता है, पंडित जी के मुताबिक आपका आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, इसके बारे में पंडित जी ने बताया, और पंडित जी ने कुछ उपाय भी बताए हमारे दर्शकों को, ताकि अगर वो उन उपाय को अपने जीवन में अमल करेंगे, तो आपकी जो भी समस्या से आप जूझ रहे हैं फिलहाल वो खत्म हो जाएगी। पंडित जी, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद। हमारे खास कार्यक्रम भविष्य के सितारे में फिलहाल के लिए इतना ही। DNN पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।